Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन हेल्प टेक्स फॉर द जॉब सीकर। सो मेरे पास वो प्रोजेक्ट का नेम है जॉब सीकर्स। आई हैव द प्रोजेक्ट इन माय एग्जाम फोल्डर। दिस इज माय प्रोजेक्ट हियर इन विच द कंपनीज एंड द स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट एंड यू कैन रजिस्टर इट और यू कैन लॉग इन इट और इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब यू कैन एंटर योर ईमेल एड्रेस हियर। दिस इज़ द कंपनीज डिटेल्स। सो इफ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ। दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन दिस एंड यू कैन ऑल्सो लॉग इन दिस। I already knew a login and I can register myself. Now I'm going to log in this, so just right here and when I click on the login, so this is here. I need a interviews. There is a interviews questions here. यहाँ पे students interview questions download कर सकता है। अगर मैं जाके देखूँ तो वहाँ पे HR के interviews questions जो हैं वो download हो चुके हैं with the answers. So मतलब इसमें सिंपल है कि जो कंपनी है या जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कशंस फीडबैक वगैरह अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहता हो तो वो अपना क्विज इसमें टेस्ट वगैरह अप्लाई कर सकता हो ऑनलाइन, ताकि वो चेक कर सके कि उसे नॉलेज है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हियर वो डिटेल्स। डिजिटल मार्केटिंग के अगर वो डिटेल्स देखना चाहता हो तो वो देख सकता है। अगर उसे अप्लाई करना है तो वो उसे अप्लाई भी कर सकता है। अप्लाई करने के लिए उसे अपना रिज्यूम वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ लॉग आउट ऑप्शन हियर। एंड इसमें एक इसमें एडमिन भी है। एडमिन लॉग इन करके अपनी डिटेल्स डाल सकता है। एडमिन पोस्ट जॉब, इसमें एडमिन जो है जॉब वगैरह पोस्ट कर सकता है कि ये कोई जॉब वगैरह एप्लीकेबल है कि नहीं। सो आई एम गोइंग टू एंटर एज एडमिन admin@gmail.com admin123 एंड आई एम गोइंग टू लॉग इन इट। हम सक्सेसफुली लॉग इन कर चुके हैं यहाँ पे। और जितने भी जॉब सीकर्स ने अभी तक अप्लाई किया है उन सबकी डिटेल शो कर देगा, ठीक है। यूज़र किन किन यूज़र ने किस किस के लिए अप्लाई किया है या वो एडमिन कोई जॉब वगैरह ऐड करना चाहता हो पोस्ट करना चाहता हो वो ऐड कर सकता है इसके अंदर। एंड मतलब एडमिन यूज़र्स को देख सकता है। मतलब बेसिकली वो स्टूडेंट जॉब सीकर्स के लिए बनाएंगे। इसमें दो ही मॉड्यूल हैं, एक एडमिन का और एक जो भी जॉब सीकर्स हैं वो डायरेक्टली लॉग इन वगैरह कर सकते हैं, वो जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और दूसरा जो है एडमिन वो जॉब को कोई पोस्ट कर सकता है या कितने यूज़र्स ने क्या क्या अप्लाई किया है, किस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल्स देख सकता है। So this is all about that project. Thank you very much. Thank you for watching this video. Thank you. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट हम अपना प्रोजेक्ट कैसे इम्पोर्ट करेंगे। सो आई हैव दैट प्रोजेक्ट इन माई प्रोजेक्ट फोल्डर। आई एम गोइंग टू दैट ऑनलाइन डेस्क फॉर द जॉब सीकर। This is my source code here. I'm going to select this and copy this and go to the C drive in a XAMPP folder and HT docs and create a new folder here. I'm just creating a job seeker and this is my folder name, and open that folder and paste all your files here.
एंड आफ्टर पेस्टिंग दिस इज योर फाइल्स हेयर एंड स्टार्ट योर जैम सर्वर. Start your XAMPP server and I already have started. I already have started Apache or MySQL. Just type here localhost / job seeker. And this is your project is installed in your XAMPP. इसमें जस्ट आपको क्या करना है, सोर्स कोड को कॉपी करना है XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs एंड जस्ट ओपन योर लोकल होस्ट स्लैश जॉब सीकर. एंड व्हाट अबाउट द डेटाबेस, यू ऑलरेडी हैव दैट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी दैट हाउ टू इम्पोर्ट अ डेटाबेस फॉर दिस, बिकॉज व्हेन यू गोइंग टू रजिस्टर योर सेल्फ इट नॉट गोइंग टू रजिस्टर बिकॉज देर इज़ नो डेटाबेस इज कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच. How to import a DB or a database file to the for the project in the localhost / phpMyAdmin. So for this you need a SQL file, which is I already have a SQL file with me. So in the E drive, this is my project and this is your database. I have that database name job.sql. So I'm going to open a browser. Open a browser and just type here localhost / phpMyAdmin, which is I already opened it, and just click on the new and write here job. बी श्योर कि जो आपका सीक्वल की फाइल का नाम है अगर आप वही नेम रखो तो ज़्यादा ईजी रहेगा, अदरवाइज़ आपको कोड में चेंज करना पड़ सकता है. सो जो मेरे एसक्यूएल फाइल का नाम है वही फाइल का नाम मैंने अपने डेटाबेस का रखा है. सो क्रिएट, जैसे आपका जॉब नेम से यहाँ क्रिएट हो जाएगा, देन सेलेक्ट योर डेटाबेस. आफ्टर सेलेक्टिंग योर डेटाबेस इज शोइंग दैट क्रिएट अ टेबल, बट आई ऑलरेडी हैव द टेबल इन माई प्रीवियस डेटाबेस. सो यू जस्ट नीड टू गो टू द इम्पोर्ट एंड चूज योर फाइल एंड सेलेक्ट योर एसक्यूएल फाइल हियर. This is my database file here. Just select it and open it. After opening this, just click on the go. Now it's uploading all the tables of this database into your database. Now as you can see your database is imported here. Thank you very much. Thank you for watching this video. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट करते हो, हाउ टू एक्सपोर्ट योर डेटाबेस. सो जस्ट ओपन द ब्राउजर एंड फॉर दिस यू नीड अ XAMPP सर्वर टू बी ऑन. सो आई एम जस्ट टाइपिंग हेयर लोकल होस्ट / phpMyAdmin. And I want to import that job database file. So just select that database file and there is a just select your database and just click on the export. And you just want to click a minimal option. So I'm just using a quick, and in which format you need, I need in a SQL format. So I'm going to select a SQL format and click on the go. After this you can check this to your downloads. In a download folder there is a job.sql file is exported. When you open this file,
You can see that all the file will be written, all the scripting will be written in this. So this is the way to export your DB of your database from your database location. Thank you.